और ये देखिए आप, एक नई बिल्डिंग भी यहां पर बन रही, इसी के बगल में आलीशान बिल्डिंग। आप सोच सकते हैं, सरकार करोड़ों रुपए लगा करके स्कूलों को बनवा रही है ताकि शिक्षा में कुछ चेंज आए, कुछ परिवर्तन आए। आप दूर से, मैं शूट करके दिखाता हूँ आपको, काफी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्कुल लगभग तैयार होने वाली है। इस पे हालांकि कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कितने की बिल्डिंग है, लेकिन आलीशान बिल्डिंग कह सकता हूँ। सरकार इतना पैसा लगा रही है, आखिर क्या है इसका मतलब? जब स्कूल नहीं चलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, इस तरीके से नहीं होगा, तो क्या शिक्षा में सुधार हो पाएगा? बिल्कुल आलीशान बिल्डिंग बन रहा है, काफी लंबा चौड़ा बिल्डिंग है और करोड़ों रुपए का है। क्या क्या सरकार इस खर्चा करके वास्तविक ही क्या कह सकते हैं, क्या ये बिल्डिंग का जो खर्च हो रहा है, क्या इससे हमारी शिक्षा प्रणाली बदल जाएगी? क्या बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा? तमाम ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क अभी भी लगी हुई हैं। उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला प्रशासन, बिल्कुल क्या कभी सीओ साहब ने यहाँ विजिट किया होगा? क्या कभी जो हमारे अधिकारी हैं, क्या कभी वह आए होंगे? शायद आए तो होंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनने का मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार चिंतित है। तो किसको इसका दोष दिया जाए? ब्यूरोक्रेट को दोष दिया जाए, इस सरकार को दोष, हमारी विधायिका इसकी जिम्मेवार है, या फिर हमारे अधिकारीगण? महेश बोगण की स्कूल सर्वे पर खास रिपोर्ट, लोदन।